नमस्कार पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल एस एनजी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, उनकी या तो डाइवोर्सी हैं या फिर किसी भी रीजन से दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, या फिर अभी अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, कोई भी रीजन रहा हो लेकिन सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 16 से लेकर 22 फरवरी मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। और सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। जनरल होने के कारण आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिसके साथ जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पाइसिस कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और आपकी लाइफ में लाइफ यानी कि इन दोनों को लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे वो वापस आना चाह रही हैं जिससे दूरियां बनी हुई हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले देख लेते हैं पाइसिस के आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत आपकी रिसेंट में हुई है। जिस चीज़ के लिए आप हीलिंग कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, आपको लग रहा था कि चुप्पी और खामोशी के साथ आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, समय को समय देंगे, चीज़ें जब तक सही समय वक्त नहीं आ जाता, अगर कोई राज मिस्ट्री आपके पास है भी तो आप किसी को जाहिर नहीं होने देंगे और इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो वही वहाँ आपकी एक पहल होती दिखाई दे रही है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, या तो आप उनकी तरफ गए हैं या तो वो आपकी तरफ आए हैं। और हो सकता है कि भले ही आप जाहिर ना कर पाए हों लेकिन आपके हाव भाव देखकर किसी तरह से भी यहाँ लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत आपकी पास्ट में रही है, जो रिसेंट पास्ट है उसमें रही है, जो लंबे समय से शायद आप उसका वेट और इंतज़ार कर रहे थे तो उसके लिए हील कर रहे थे, उस परेशानी से, उस दुविधा से निकलने के लिए जो आपके साथ पास्ट में रही है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है इन दिनों। बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफंट एंड कार्ड आया है हमारा जजमेंट। तो अगर आप समय रहते डिसीजन लेते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, या फिर किसी एल्डर की, किसी सुपीरियर की, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, अपना नॉन मानते हैं, या जिनकी आपको लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो उनकी मदद से अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो और हो सकता है कि ये जो आप या तो आपके पर्सन जो जो रिलीजियन बनते हैं, रिलीजियस बनते हैं, आपने जो एक रिलीजन में रह कर ही, आपने ओहदे में रह कर ही आगे बढ़ेंगे, तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अदर रिलीजन के हैं, उनके रिलीजन के नहीं हैं, उनकी जाति के नहीं हैं, उनके धर्म के नहीं हैं, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो वो वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर वो इसमें समय रहते, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि दोनों इसमें जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आत्मिक रिश्ता मानते हैं, उनको लगता है कि जब से रिश्ता बना है ये उनके लिए सोलमेट है, कभी भी वो उनसे अलग ही नहीं हो पाए हैं। तो इस सोच के साथ अगर वो डिसीजन लेंगे, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, जो जिस चीज़ के लिए आपको पास्ट में परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, तकलीफें रही हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, तो वहीं उन्हीं चीज़ों में अगर आप समय रहते एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग शुरुआत करेंगे, जज नहीं करेंगे एक दूसरे को, यानी कि तर्क वितर्क नहीं करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी काफ़ी अच्छी जा सकती है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इसमें मिलती दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं कि
अगर किसी नए पर्सन की एनर्जी है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स द हायरोफंट जी, अभी भी आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर आप इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको इस रिश्ते को हील करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल ग्रो करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी जो रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो अगर इसमें हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तभी तो ये रिश्ता मजबूत और स्ट्रांग बनेगा। तो उसी के साथ अगर आप अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये धीरे धीरे करके अगर आपस में खुलकर बातें करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो जो भी नया पर्सन है वो आपसे काफ़ी प्यार और प्रेम करता है। शायद आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं, एक दोस्त के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, या फिर एक जो है आप वहाँ काम करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है आप या आपके पर्सन, यानी कि जो आपके दोस्त रहे हैं या बॉस रहे हैं या फिर जिनको आप जानते हैं, आपके रिश्तेदार रहे हैं, तो अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उनको लगता था कि अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो, और एक दूसरे से खुल कर बातें कर लेते हैं, तो एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, काफ़ी खुशियों भरा ये रिश्ता हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, शायद एक दूसरे से जाहिर नहीं कर पा रहे थे। भले ही ये इसमें समय और वक्त लग सकता है, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन अगर आप प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो जो दोस्ती रही है या जो जानकारी रही है, वो धीरे धीरे करके लाइफ पार्टनर के रूप में चेंज हो सकती है, खुशियाँ मिल सकती हैं आपको। देखते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, यानी कि उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, या अटैचमेंट फील कर रहे थे, या फिर जैसे भी रहा, लेकिन फिलहाल दूरियाँ बनी हुई हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द मैजिशियन, यदि आप एक दूसरे को माफ़ी करते हुए, यानी कि जो पास्ट पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, और वो चाहता है कि कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन उनके साथ ना हो, क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड है वो माइंड गेम का भी कार्ड हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो तभी पूरी होगी जब एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। और इन दिनों बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि भाग्य भी आपका साथ देने आ रहा है। अगर आप जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी लस्ट रही हैं, एडिक्शन रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, तो इस तरह की जो भावनाएँ रही हैं, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स भी आपका साथ दे सकता है, भाग्य आपका साथ दे सकता है, और इस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि आपको यूटिलाइज करना चाहिए, और जो आपके जो पास्ट पर्सन है वो, अगर आप इस समय को का सदुपयोग करेंगे, उन गलतियों को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, क्योंकि समय बार बार, अच्छा समय बार बार नहीं आता, तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है और कामयाबी में तब्दील हो सकता है, और बहुत जल्दी ये रिश्ता बन सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स ही पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए उन्हें। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपने विजडम नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, समझदारी के साथ अगर चुप, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, तो अपने विजडम और नॉलेज गेन कीजिए, अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए, अथवा समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी रहेंगे,
कि आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में वापस आ सकता है, जो चीज़ें चली गई थी वो वापस आ सकती हैं, लेकिन चुप्पी और खामोशी के साथ बिना लड़ाई झगड़े बिना वाद विवाद के आपको आगे बढ़ना है और रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी चीयरफुल, सक्सेसफुल, विक्टोरियस हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, दम, ताकत और हिम्मत है कि समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ ही रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशियाँ वापस आएंगी। तो जो पास्ट पर्सन है उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं और नए पर्सन की भी एनर्जी है, तो जिसके साथ भी आप जाना चाहें, जिसके साथ आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।